हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इजी एंड सिंपल पर्स। इसके लिए मैंने प्लेन क्लॉथ लिया है क्योंकि मेरा जो कपड़ा था वो बहुत ही पतला था, तो उस मेन फैब्रिक के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा वाला क्लॉथ लिया है। यहाँ 2 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क किया है ऐसे क्रॉस, चौक से मार्क करके अब हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। ये लाइनिंग अस्तर का कपड़ा लिया है, ये बकरम लिया है मैंने, ये रबर शीट ली है। अगर आप रबर शीट यूज ना करो तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। और ये प्लेन क्लॉथ। अब ये मेरा मेन ट्रांसपेरेंट क्लॉथ, प्रिंटेड क्लॉथ। ये 5 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का लाइनिंग अस्तर लिया है पॉकेट के लिए। अब हम ऊपर से सिलाई लेके लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जिप जॉइंट कर लेंगे। ये कपड़ा अब सीधा करके मैंने फिर से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैं रनर लगा रही हूँ। अब यहाँ पे पॉकेट वाला कपड़ा रख के हमें स्टिच करना है, उसके ऊपर हम पाइपिंग बना लेंगे। अब ये पाइपिंग के लिए मैंने प्लेन क्लॉथ लिया था। अब अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से पाइपिंग बना लेंगे। इसके बाद हमें जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे ये पॉकेट को नीचे से अटैच करना है, उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। और साइड से स्टिच कर लेंगे। अब हम थोड़ी फिनिशिंग कर लेंगे। अब ऐसे फोल्ड करेंगे, चेक करेंगे। अभी यहाँ पे मेरा ठीक से बना नहीं था तो यहाँ पे मैंने खोल के फिर से ठीक किया। आप एक बार ऐसे फोल्ड करके चेक कर लीजिए। अभी 9 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क कर लिया और यहाँ से फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब पाइपिंग के लिए क्लॉथ लिया है मैंने और साइड से लगा रही। आप चाहो तो एक साथ चारों तरफ से पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इजी वे बताए हैं क्योंकि जो कॉर्नर्स रहते हैं वहाँ से पाइपिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। पहले एक साइड मैंने पाइपिंग लगा ली, फिर उसको कटिंग किया। अब हम दूसरी साइड पे पाइपिंग कर रहे हैं लेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लेना है हमें, कपड़ा निकल ना पाए, और फिर यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। नीचे की साइड पे ऐसे कपड़ा अच्छे से फोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है।
अब तीसरी साइड पे हम पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है, अच्छे से फोल्ड करना है। अब ये नीचे वाला कॉर्नर है, वहाँ पे कपड़ा अच्छे से फोल्ड कर लेंगे हम। और फिर स्टिच कर लेंगे। ये मेरा कपड़ा थोड़ा सिल्क था, इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी पाइपिंग में। अच्छा होगा कि आप कॉटन का क्लॉथ यूज़ करें पाइपिंग के लिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी लास्ट वाली साइड जो बची है वहाँ पे हम कपड़ा लगा लेंगे और पाइपिंग कर लेंगे। कुर्ती या ब्लाउज में बचे हुए कपड़े से हम हर ड्रेस या साड़ी पे ऐसे मैचिंग पर्स स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी यहाँ पे कॉर्नर पे हमने अच्छे से फोल्ड किया है क्लॉथ, फिर सिलाई लगा लेनी है। इस साइड में हमें दोनों साइड में अच्छे से कपड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि ये हमारी लास्ट वाली साइड है। ऐसे फोल्ड किया मैंने क्लॉथ को अच्छे से, फिर सिलाई लगा ली। अभी नीचे वाले कॉर्नर पे भी हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना है, फिर सिलाई करनी है। अब ये बैग बन के रेडी हो गई है, सिर्फ मैग्नेट बटन लगाना बाकी है। अब इसके लिए हम इसे मार्क कर लेंगे, दोनों साइड मार्क कर लेंगे अच्छे से। आप यहाँ पे मैग्नेट बटन की जगह वेलक्रो या फिर प्रेस बटन भी लगा सकते हो। ये ऊपर की साइड का मैंने ऐसे अलग से किया है कपड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऊपर से दिखे, और मेन फैब्रिक छोड़ के मैंने कट लगाए हैं। उसे थोड़ा सा कट कर लिया और फिर अच्छे से मेरा मैग्नेट बटन उसमें बैठ गया। ये देखिए, मेन साइड से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अब, है कि नहीं? अच्छे से प्रेस करना है। अब दूसरी नीचे की साइड में लगा लेंगे हम मैग्नेट बटन। ये हमारे बैग अब रेडी बन चुके हैं, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पे एक मेन पॉकेट, यहाँ पे जिप वाला पॉकेट, दो पॉकेट वाली बैग हमारी कितनी आसानी से बन गई है ना। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।